जय श्री श्याम दोस्तों। तो फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ, और आप सबों का प्यार और मेरा मोटिवेशन कम नहीं कर रहा है, और आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और आज है हमारा जो छुट्टक वाला दिन था, तो 10वां दिन है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने सुबह के काम में, पूरे झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम है। तो यहाँ पे जितने भी अर्दे पर्दे बेडशीट वगैरह उसे सब मैं निकाल ली हूँ, और किचन को मैं पूरे पानी से वॉश करूँगी। कि हमारे यहाँ नियम है दीवार पे पानी नहीं डालूँगी, गांव में तो दीवार पे भी पानी डालते हैं, मगर मैं सिर्फ स्लेब वगैरह को साफ़ करूँगी और दीवार को पोछ ली हूँ। फ्रेंड, नमक जो भी बचेगा उसको फेंक दिया जाता है, तो नमक तो फेंक दी हूँ, और भी सामान है उसको नहीं धोई हूँ, उस सब यूज इस तरह नहीं की हूँ, इसलिए बच गया है। तो फ्रेंड, पानी से धुलने से किचन ज़्यादा अच्छा से साफ़ होता है, क्योंकि पोछा वगैरह हम लगाते हैं तो सिर्फ साइड साइड से लगाते हैं, और पानी डाल के धोने से अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो मन भी बहुत अच्छा लग रहा था किचन सूखने के बाद, और मुझे तो अच्छा लग रहा था, मगर आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ हमारा किचन धुल गया है, और वीडियो आज मेरा बड़ा वाला बेटा शूट कर रहा है, इसलिए बिल्कुल थोड़े अच्छे से नहीं शूट किया, छोटा वाला थोड़ा अच्छे से शूट करता है, ये बहुत हिलता डुलता है। तो देखते हैं, बहुत जगह कैमरा हिल डोल रहा है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा फ्रेंड। कितने सारे जो कपड़े हैं इसको वॉश करना है, कितने सारे जो कपड़े हैं इसको वॉश करना है। मेरा बेटा बाल कटाने गया, वहाँ आज हमारे नाई नाई नहीं है, तो बाल भी नहीं कटा उसका, और धुल तो गया है फ्रेंड। फ्रेंड ये छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा हेल्प कर दे रहा है, बड़ा वाला भी किया है, वो शॉर्टकट में करता है, ज़्यादा नहीं करता है। लड़की हो या लड़का काम करके सिखाना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि काम ये सब काम जो डेली यूज के काम है ये तो होना ही चाहिए। आजकल के बाप माँ ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ये बना के रखे, मेरे हिसाब से नहीं ऐसा करना चाहिए, सभी बच्चों को थोड़ा बहुत काम करना सिखाना चाहिए। तो अब मेरा यहाँ पे धुल गया है, पोछा लगाऊंगी और इतना कपड़ा कल धोऊंगी, इसमें जो कपड़े हैं ना वो कल धोऊंगी, और ये तो अभी जा रही हूँ धोने के लिए। गई हूँ अब कपड़े वॉश करने, घर का क्लीनिंग हो गया है, जितने भी यहाँ पे इतना सारा कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, जितने भी अर्दे पर्दे हैं वो सब है, तो लग जाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अभी हम लोग कोई भी चाय नहीं पिए हैं, ना ही कोई खाना खाए हैं, अब ये सब करके नहा के ये सब चूड़ी वगैरह चेंज करके नेल वगैरह काट के तब जाके करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर थोड़ी देर बाद। रिशु गंगा जल निकालो। तो फ्रेंड नहा ली हूँ और अब चूड़ी वगैरह चेंज करूंगी और ये आलता वो लगाऊंगी। तैयार होती है उसके बाद सिंदूर लगाना था, भूल गई। तो फ्रेंड पहले हमारे सिंदूर लगाते हैं तभी कुछ नया पहनते हैं, तो मुझसे गलती हो गई, भगवान जी माफ कीजिएगा, क्या थोड़ी हड़बड़ में हो जाती है। और इस बार जो चूड़ी लगी ना फ्रेंड बहुत पतली पतली है, बहुत पतली पतली है, ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड बिहार में ऐसे ही किया जाता है, शुभ काम में भी मतलब पूरा नहा धो के आलता वालता लगा के पूरे घर को, जब पूजा पाठ भी होता है और अशुभ काम में भी ऐसे ही होता है। तो आज है 10वां, यानी हमारे यहाँ आज से जो गोतिया लोग होते हैं वहाँ पे नमक तेल हल्दी पड़ने लगेगा, तो आज मैं भी अभी जा रही हूँ डालने। और ये आलता वालता लगाते हैं, हो जाऊँगी रेडी। मन नहीं कर रहा फ्रेंड, बहुत हड़बड़ हड़बड़ लग रहा है आलता लगाने का, क्योंकि अभी खाना नहीं बना है, जल्दी जल्दी मैं लगा लेती हूँ।
तो फ्रेंड हमारे यहाँ नाउन आती है लगाने, नाउन जो हमारे यहाँ होते हैं वो आती है लगाने, कुछ तो नहीं लगाते मगर यहाँ तो नहीं मिलेगा आज तो। देखिए हमारे यहाँ सैटरडे है तो बाल शॉप भी नहीं खुला है बार बार वाला, बच्चे गया था बनवाने मगर बन नहीं पाया, देखती हूँ शाम तक खुलता है या नहीं। और फ्रेंड मौसम भी ऐसा कर रहा है ना, कपड़ा पता नहीं इतना सारा कपड़ा धोई, पर्दे वगैरह तो मैं ड्राई करके रूम में ही लगा दी हूँ, धूप बस एक घंटे अच्छे से निकल जाए सारा कपड़ा सूख जाए। तो फ्रेंड देखिए हमारा आलता लग गया है, नेल पेंट वगैरह भी मैं बाद में लगा लूँगी। तो फ्रेंड अब चलते हैं कुछ बनाते हैं, पहले फेस में लगाऊंगी क्योंकि मैंने 8-10 दिनों से कुछ भी नहीं लगाया है, फेस बिल्कुल ख़राब हो गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले फेस पे लगाऊंगी। मेरा सीरम भी झड़ गया है, ये रहा मेरा सीरम जो न्यू है, ख़त्म हो गया मेरा। तो ये है वही गुड वाइफ का रोज हिप, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। और अभी सिर्फ पर्दे वैसे ही धो के बस लगा दी फ्रेंड, और बेडशीट सब मैं छत से जो बिछाए हुआ है वही वाला बिछा दूँगी क्योंकि फिर उसे मोड़ना ना पड़े, काम थोड़ा शॉर्टकट में चले। तो फ्रेंड देखिए ये रहा हमारा सीरम, और फ्रेंड मेरी ये फेवरेट, मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है। तो ना मैं अभी रील्स बना रही थी ना ही कुछ भी बना रही थी, और बिंदी भी नहीं लगाई थी, बहुत दिन हो गया है तो ये निकल ही नहीं रहा है दोस्तों, मेरा नाखून कटा हुआ है ना इस वजह से। तो बस हो गई हूँ मैं रेडी, चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड मंदिर के पास कल साफ करूँगी, और अब चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, बस पोहा बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी और फिर आपसे मिलते हैं। तो जल्दी से मैं पोहा और चाय बना लेती हूँ फ्रेंड क्योंकि बहुत लेट हो गया, बज गए हैं 11:30। सारा नमक एक साथ नहीं रखती हूँ, मतलब थोड़ा अलग करके ही रखती हूँ, तो ये डब्बे सब धुले हुए हैं अब इसमें डाल देंगे। सेंधा नमक का ज़्यादा ज़रूरत है, वो वाला नमक मैं नॉनवेज वगैरह में डालती हूँ, तो अभी सावन है तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फ्रेंड हमारा पोहा बन गया है। तो फ्रेंड ये रहा हमारा नाश्ता पोहा, और इधर बन रही है चाय, तो इसमें बस इलायची कूट के डालना है, वो मैं अब डाल देती हूँ। तो क्योंकि आज बच्चे लोग भी बोले चाय पियेंगे, और पोहा हमारा रेडी है बिल्कुल यम्मी वाला पोहा। तो फ्रेंड आज का ब्रेकफास्ट है पोहा और चाय, सेम ज़्यादा मत लो, कौन सा मेरा, दोनों वाला है, दोनों में ये मेरा है कि तेरा।
भी पी लीजिए चाय, और ये चाय अगर मेरे हस्बैंड देख लिए हैं वीडियो में कि बच्चों को दे रही हूँ तो इसके लिए डांट भी लगेगी मुझे। फ्रेंड इन लोगों का तो डिमांड ही नहीं खत्म होता है, अब इनको रस्क भी चाहिए। तो जो इस बार मैं लाई ना, जो हस्बैंड आए थे उनको छोटे के थी ना कतरा, वहां से लाई, ये रस्क बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड ये रहा आज का हमारा नाश्ता, और यहाँ रहा कपड़ों का ढेर है थोड़ा सा है, तो अब बस नाश्ता करते हैं और फिर YouTube पे वीडियो डालना है। मैं अभी तुरंत चाय नाश्ता करते करते वीडियो डालूंगी। और बस आप लोग अगर Facebook पे देखते हैं फ्रेंड तो फॉलो कर लीजिएगा, YouTube पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप लोग का प्यार की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी पहुँचूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर मेरी आँख लगी और बच्चे लोग खुद से सैंडविच वगैरह बनाए, तो मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा था, तो बच्चे लोग खुद से सैंडविच वगैरह बना के खा लिए। और मैं थोड़ी देर इन लोग को बोल के सोई कि बाबू थोड़ा कपड़ा ले आना छत से अगर बारिश हो, ध्यान देना। और मैं देखिए इतना ला के रखी थी, ये सब सूख गया था, थोड़ा सा बाकी था। और जो मोटे मोटे कपड़े थे, पैंट वगैरह था, ये सब सूखा नहीं था फ्रेंड। तो देखिए मेरे घर की हालत क्या हो रखी है, पूरे तरफ कपड़े कपड़े, बस दो चार बूंद पानी पड़ा है और डबल काम लग गया। पूरे घर में मैं कपड़े अभी पसार के रखी हूँ, बाहर कुछ दी हूँ कुछ अंदर दी हूँ, पूरा घर का हालत ख़राब है। इस साइड दे रखी हूँ और अब क्या नींद आएगा। कपड़ा सूखा हुआ कपड़ा था, बस मैं पलट के आई थी, मैं सोची 10-15 मिनट में सूख जाएगा, और यहाँ पे देखिए पूरा मोरी लगा हुआ है। आ जाओ, गई मैं कपड़े लाने के लिए, ऊपर वाली भाभी उठा के रखी थी मगर वो भी भींग गई मेरे कपड़ों के कारण, क्योंकि पता था कि इनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो बारिश होने लगी तो आवाज़ देने की जगह बेचारी खुद कपड़े दोनों माँ बेटी उठा रही थी। अब क्या काम करने में मन लगेगा, ऐसे घर रहेगा तो मन लगेगा। मैं सोची थी लाऊंगी और रख दूंगी, खैर अब एक दो घंटे में सूख जाएगा। और खाना तो कुछ नहीं बनाई फ्रेंड, मन कर रहा है, भूख भी लग रहा है, सोच रही हूँ चना फ्राई कर लूँगी, वो लोग बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊँगा, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा चना फ्राई कर लूँगी और वही खा लूँगी। तो आज तो ऐसे ही चल रहा है, बस दौड़ दौड़ कर ज़िंदगी चल रही है। थोड़ा देर लेट लेती सर में, पिलो कवर वगैरह भी लगाना है, बेडशीट भी अरेंज करना है। तो फ्रेंड ये है मेरा चना फ्राई और ये चाय फिर से बना ली हूँ। और फ्रेंड ये रहा कपड़ों का अंबार। तो आज फ्रेंड खाना वाना कुछ नहीं बनाई हूँ, आज यही सब खा के चलेगा। तो यहाँ पे हमारे होनहार पुत्र बैठे हुए हैं और यहाँ मैं और वो उस रूम में, तो खा लेते हैं चना फ्राई और चाय। बज गए हैं 3:30, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड रात के बज रहे हैं 11 बजने वाले होंगे कम की, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब लग रही है ना, मैं किसी रूम से बेडशीट नहीं चलती, बहुत ज़्यादा बिजनेस जैसा लग रहा है। तो अब बस बड़ा वाला बेटा तो सो गया है, वैसे ही मैं इस रूम की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। पता नहीं ये सिर दर्द दे रहे हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा यहाँ तक दर्द दे रहा है। और अभी बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और काफ़ी दिन से मैं अपना फेस रूटीन जो नाइट का होता है मैं नहीं की हूँ, तो बस फेस रूटीन करूँगी। और बर्तन काफ़ी सारे पड़े हुए हैं मगर आज वॉश नहीं करूँगी, अब सुबह में करूँगी क्योंकि कल संडे है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। तो फ्रेंड अभी भी ये कपड़ों का मोरी टंगा हुआ है, और इतना काम मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इतना काम तो इजीली कर लेती हूँ, मगर पता नहीं मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस गुड नाइट फ्रेंड, मिलते हैं फिर। तो आज तो जैसे तैसे सो जाते हैं,
कल फिर देखा जाएगा। बाय बाय।